नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, मैं हूं दीपक यादव। लंबे लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे दुकान बाजार खुलने लगे हैं। एहतियात के साथ ही लोग वापस काम पर लौटने लगे हैं। फेस्टिव सीजन नज़दीक है, हालांकि कोरोना का प्रकोप अभी भी जारी है। ऐसे में इंडस्ट्री के दिग्गजों के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी की ज़मीनी हकीकत क्या है, रियल एस्टेट की ज़मीनी हकीकत क्या है, ताकि आपको अपने आर्थिक फैसले लेने में सहूलियत हो। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर और डेवलपर संगठन नरेटको के नेशनल प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोविड के बीच ही सही, लेकिन धीरे धीरे हालात पटरी पर लौटने लगे हैं, ऐसे में फेस्टिव सीजन भी करीब है, रियल एस्टेट में आपको किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? जो अप्रैल में जून जुलाई रियल एस्टेट की बात थी वो बहुत ही गंभीर थी, और मेरे अंदाज से कुछ ख्याल नहीं आ रहा था कि इसमें आगे क्या होगा, और लोग परेशान थे क्योंकि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। माइग्रेंट्स वर्कर्स वापस चले गए थे, बैंक की क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, कुछ समय दिया था लेकिन कुछ सब उलझे हुए थे कि इसमें आगे हम कैसे बढ़ेंगे। दूसरी बात थी कुछ डिमांड का जीरो था कि लोग कोई खरीदने को आ नहीं रहे थे, तो उसके हिसाब से वो भी नहीं हो रहा था। जो इंस्टॉलमेंट्स था वो भी बंद हो चुके थे, काफी जो इंस्टॉलमेंट्स आनी थी वो नहीं आए, और जो किराए के मकान पर दिए हुए हैं या रिटेल हैं या रिटेल दुकानें हैं वो किराए नहीं दे रहे थे, तो अंदाज से वो भी बहुत परेशानी थी। इसलिए पहले साढ़े तीन महीने एक गंभीर था। जो पहले से वैसे ही मार्केट नीचे गिरा हुआ था डिमोनेटाइजेशन के बाद, रेरा के बाद, जीएसटी के बाद, आईएलएफएस के बाद, काफी मार्केट्स रियल एस्टेट में गिरी हुई थी, लेकिन ये जो आया वो एकदम एक क्या बताएं, एक बहुत ही सीरियस इफेक्ट रियल एस्टेट को कर दिया। तो मेरे अंदाज से ये तीन महीने तो बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन शूट्स शुरुआत हुई है, और हम देख रहे हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं खरीदने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में काफी सेल्स शुरुआत हो गई। जो और भी मकान हैं हमारे पास, बड़े बड़े मकान भी है 3-4 बेडरूम के, वहां भी सेल्स शुरुआत हुई है। जो रेडी मकान है वहां भी लोग खरीदने को शुरुआत की है। तो मेरे अंदाज से ये जो लास्ट 1.5 महीने में कुछ शुरुआत हो गई है, और जहां प्रोजेक्ट्स मैं समझता हूँ ब्रांडेड कंपनीज कर रहे हैं, जहां रेप्यूटेशन है या क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, या अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है, वहां हम देख रहे हैं कि कुछ उठाव आया है। काफी लंबे तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत हो गई है। मैं समझता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि 30-40% तक वो वापस आ गया है। सर, सरकार का फोकस अगर हम देखें तो अफोर्डेबल सेगमेंट पर है। कोविड के पहले यहाँ तक हम देख रहे थे कि अफोर्डेबल सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा था, सेल भी काफ़ी अच्छी हो रही थी। अब जो मौजूदा हालात हैं उसको देखते हुए किस सेगमेंट में आपको अच्छी बिक्री देखने को मिल रही है? तो अफोर्डेबल सेगमेंट तो डिमांड है ही, और वहाँ एक ही बात थी कि लोगों के पास एक घबराए हुए थे कि हम खरीदेंगे तो कल उठ के हम बाकी के पेमेंट दे सकेंगे नहीं, कि नहीं हम हमारे नौकरी रहेगी कि नहीं, वो एक परेशानी जरूर थी। अब जब मार्केट्स फिर वापस लौट रहे हैं तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लोग खरीदना शुरुआत कर दी है। दूसरी बात रही अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में, जो पीएमएवाई के स्कीम्स के अंदर है वहां उनको 90% तक लोन मिलती है, तो टोटल अमाउंट जो उनको इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ 10% देना है। और दूसरी बात है कि जो ब्याज है वो कम है, 6.9% ब्याज है, 3% एक इंटरेस्ट सबवेंशन है, तो लोगों को सिर्फ 4% ब्याज देने की आवश्यकता है, तो उसके कारण और 15 साल के लिए ये सबवेंशन उनको मिल रहा है। तो मेरे अंदाज से ये जो है अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और जो पीएमएवाई स्कीम्स के अंदर चल रहे उसके ऊपर काफी रफ्तार से काम हो जाएगी। और दूसरे बाकी क्षेत्र है वहां धीरे धीरे से भी रिटर्न आ रही है, लेकिन वो ज्यादातर या इन्वेस्टर हो जो बिगिनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, या जो
क्लोज टू रेडी अथवा तैयार प्रोजेक्ट्स करते हैं। एक बहुत अच्छी बात जो लास्ट हफ्ते में हुई है वो है महाराष्ट्र सरकार में। महाराष्ट्र सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी 5% से 2% कर दी ये दिसंबर तक। तो 1 सितंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर तक उन्होंने 5% की ड्यूटी को 2% कर दी, और जनवरी 1 से 2021 से मार्च 31 मार्च तक 3% कर दी। तो ये दूसरी बात राहत होगी। तो वैसे देखा जाए तो जहां तैयार प्रोजेक्ट्स हैं, जहां ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गए हैं, वहां उनको जीएसटी नहीं भरनी पड़ती, तो वो 5% की सेविंग होती है। और दूसरी तरफ से देखें तो हमें 3% स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है। तो ये दोनों हम गिने साथ में तो आपका भाव वैसे ही 8% कम हो जा रहा है कुछ नेगोशिएशन न करने पर भी। तो ये बहुत बड़ी बात रही मेरे अंदाज से, ये बहुत अच्छी बात है जो डिमांड ड्राइवर रियल एस्टेट को दे रही। हालांकि कोविड से पहले भी तमाम तरह की दिक्कतें थी रियल एस्टेट में, सरकार के एक्शन और मौजूदा हालात को देखते हुए मांग में सुधार आप कब तक देख रहे हैं, कब तक आपको लगता है कि हालात थोड़े सामान्य हो जाएंगे? मेरे अंदाज से दिवाली के बाद ये रफ्तार फिर शुरुआत हो जाएगी जो पहले जैसे की तरफ चले जाएगी। वैसे कोई हम एस्टिमेट नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं कि ये कोविड का सिचुएशन कैसे रहेगा और वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी। वैक्सीन आ जाए तो मेरे अंदाज से 30 दिन के अंदर ये मार्केट चेंज हो जाएगी, रियल एस्टेट की नहीं सब मार्केट चेंज हो जाएगी। तो मेरे अंदाज से लगभग मैं समझू दिवाली और न्यू ईयर के बीच में ये मार्केट फिर सुधर जाएगा और मार्केट काम पर आ जाएगा। लेकिन सरकार को भी कुछ करने की आवश्यकता है मेरे अंदाज से, जीएसटी में कुछ कम कर दे टेम्पररी पीरियड के लिए, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी कम कर दी है वैसे ही जीएसटी में कुछ कंसेशन दे, रियल एस्टेट में दे, होटल्स रेस्टोरेंट्स को दे, एविएशन को दे। ये सब सीमेंट का के ऊपर 28% जीएसटी है, ये तो बहुत अन्याय है। ये कोई सिगरेट या वो चीज नहीं है कि 28% जीएसटी लगाने की आवश्यकता हो। तो मेरे अंदाज से ये सब कुछ केंद्र सरकार को भी साथ देने की जरूरत है कि वो भी कुछ कम कर दें जीएसटी में, तो ये एक डिमांड साइड पुश मिल जाएगा। जितना भी अब तक के प्रधानमंत्री जी ने किया, वित्त मंत्री ने किया, माना जो कम किया है और 20 लाख करोड़ की जो राहत मिली वो मेरे अंदाज से सप्लाई साइड में किया है, और डिमांड साइड पे अब तक कुछ किया नहीं है और करने की आवश्यकता है। सर, ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह के आप कदम उठा रहे हैं, साथ ही सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि रियल एस्टेट के जो हालात हैं उनको बेहतर किया जा सके? 3 कदम लेने की जरूरत है। नंबर 1, जो स्टैम्प ड्यूटी बात की पूरे देश में करना चाहिए, हर स्टेट को ये राहत देनी है, जीएसटी को डेफिनेटली कम करना है, लेकिन और भी जितने चार्जेस हैं हमारे देखें मुंबई में एडिशनल एफएसआई के चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बहुत एक सीमा से बढ़ गई है। इतना बढ़ गया है कि आप जितना भी एक प्राइस ऑफ फ्लैट देखेंगे तो उसमें लगभग 33% टैक्स में चले जाता है। तो आप 1 करोड़ रुपया दें तो लगभग 33 लाख रुपए सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह में चले जाते। तो ये कब करने की आवश्यकता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और ये सब दोनों मिलाकर करें तो इसमें कुछ राहत दें तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, डिमांड क्रिएशन भी हो जाएगा और इकोनॉमी बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक अब है याद रखना है कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन 2nd largest एम्प्लॉयर है हिंदुस्तान में, और लगभग 15% जितने एम्प्लॉय हैं स्किल्ड अनस्किल्ड सब सेक्टर के वो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, और 269 इंडस्ट्रीज इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर है। देखिए स्टील हो, सीमेंट है, पेंट्स है, टाइल्स है, ग्लास है,
लिफ्ट है, इलेक्ट्रिक है, ये सब आप देखे जाएंगे तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो मेरे अंदाज से ये जो जीडीपी नेगेटिव 23-24% हो उसको रियल इस्टेट को आप जरा पुश करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। यहाँ लेते एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे रियल एस्टेट से जुड़े कुछ और खास मुद्दे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। इन दिनों मुंबई में एक एक्ट्रेस के कार्यालय पर अवैध निर्माण के तोड़फोड़ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं कि फलाई इमारत अवैध है, उसको तोड़ दिया गया है, उसको तोड़ने की प्रक्रिया जारी है, तमाम नोटिस जाती हैं। ऐसे में आप जिस इमारत में रह रहे हैं क्या वो नक्शे के आधार पर बनी है, बिल्कुल ठीक नियमों पर बनी है, क्या आपकी इमारत सारे मानक पूरे करती है, या कभी भी नगर निगम का बुलडोजर आपकी इमारत की ओर घूम सकता है, या फिर अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या कुछ विकल्प होते हैं, इन्हीं सब बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंबुज सोनल, प्रिंसिपल एसोसिएट पाइनियर लीगल। अंबुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि मान लीजिए कोई इमारत में अवैध निर्माण है तो उस पर कार्रवाई करने की जो कानूनी प्रक्रिया है, जो सही प्रक्रिया है, वो क्या है? कानूनी प्रक्रिया वो डिपेंड करता है आपके स्टेट लॉज पे। दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, मुंबई में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है। तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर जैसे कमिश्नर के पास जो पावर है वो है धारा 354A के तहत, जहाँ पर कमिश्नर को अगर लगता है कि कोई भी बिल्डिंग जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या फिर कहीं पर जो बिल्डिंग बन रही है, रिपेयरिंग चल रही है, वो इलीगल है, परमिशन नहीं है, तो वहाँ पर वो स्टॉप वर्क का नोटिस पहले देती है। पहले आप वो काम रुकवाती है, उसके बाद वो नोटिस के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, परमिशन मांगती है, उस परमिशन को फिर वो वेरीफाई करती है। 24 घंटे में आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, अगर कुछ कमी रही तो फिर वो बोलते हैं कि आप परमिशन ले लीजिए या कुछ कीजिए। अगर आप बिल्कुल ही इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तभी जाके वो पावर इस्तेमाल करती है, तो फिर वो डिमोलिश करती है। इसके अलावा 342 धारा, जहाँ पे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर रिपेयरिंग कर रहे हैं, उसमें आप पहले नोटिस दे दीजिए कमिश्नर को कि हम ये काम करने जा रहे हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन अल्टरेशन जो भी है आप सारा लिस्ट डाउन कीजिए, और उसके बाद ये परमिशन आपके पास है, आप पहले नोटिस दे दीजिए कमिश्नर को मैं ये करने वाला हूँ। तो उस केस में कमिश्नर आपको नोटिस नहीं देगा, या तो अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा। अगर अप्रूवल मिल गया तो आप कंटिन्यू कीजिए, डिसअप्रूवल मिल गया तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए कि कैसे परमिशन जरूरत है, उसके बाद आप कर सकते। तो ये सारे प्रोविजन जो है वो डिमोलिश रिलेटेड। अंबुज जी, कभी कभी बिल्डर गड़बड़ी कर देते हैं, ऐसे में उसका खामियाजा आम ग्राहकों को भुगतना पड़ता है, तो सामान्य घर खरीदार कैसे जान पाए कि वो जिस इमारत में रह रहे हैं वो सही नियम और सही कायदे पर बनी है, या वो जिस इमारत में घर लेने जा रहे हैं वो एकदम नियम के अनुसार बनी हुई है? देखिए, आप जब भी जाइएगा, होम बायर्स अगर जाते हैं तो उनको बिल्डिंग प्लान दिखाया जाएगा, सैंक्शन प्लान दिखाया जाएगा, वो सारे में मैप होता है। अगर एक फ्लैट में आपको दिया गया है कि दो कमरा है और एक सर्वेंट क्वार्टर है और एक वॉशरूम है, एक किचन है, लेकिन आपको फ्लैट जो दिखाया गया है उसमें एक कमरा या फिर तीन कमरे हैं दो की जगह, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन लीगल है कि इलीगल। अगर आपको लगता है कि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आप उनसे मांग सकते हैं बिल्डर से कि उन्होंने क्या नोटिस दिया है, उनका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट में कितने पार्किंग अलाउड हैं, कितने रूम्स अलाउड हैं, वो सारा कुछ आप मैप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारा है कि नहीं, क्योंकि टाइटल तो सब लोग चेक करते ही हैं, लेकिन ये बिल्डिंग प्लान एंड सैंक्शन प्लान ये सब चेक करना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बता देगा कि इनिशियली जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी उस समय ये बिल्डिंग का परमिशन कैसा था, ये बिल्डिंग कैसे बनने वाला था, और एक्चुअल जब आपको फ्लैट दिखाया जाता है आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये कैसे बना है, तो वो सैंक्शन प्लान सब देख करके आपको मैपिंग करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं। अगर कोई चेंज आपको दिख रहा है तो आप बिल्डर से मांगिए कि डीएमसी का परमिशन दिखाइए, आप कमिश्नर का परमिशन, जहाँ पे आपको अप्रूवल मिला हो इसको चेंज करने का या अल्टरेशन करने। अंबुज जी, मान लीजिए कि किसी इमारत को लोकल अथॉरिटी से अवैध निर्माण घोषित कर दिया जाता है, नोटिस दे दिया जाता है, तो ऐसे में उस इमारत में रहने वाले लोगों के पास क्या कुछ विकल्प होता है, क्या वो करें, कानूनी प्रक्रिया अपनाएं?
तो सबसे पहले आपको उस नोटिस में देखना पड़ेगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए, वो किस चीज को इलीगल बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों के लिए आपको डिमोलिशन का पावर नहीं है कमिश्नर के पास, सिर्फ फाइन लगाने का पावर है। वो आपको धारा 471 अगर आप देखेगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसमें पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन पे का परमिशन जो आपने नहीं लिया है उसके अगेंस्ट आप फाइन पे करके उस चीज को खत्म क्लोज कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन का मेन डिमोलिशन का पावर आता है वो तभी आता है जब एक्चुअली में आपने परमिशन नहीं लिया है कोई भी अल्ट्रेशन का, जैसे आप किसी फ्लोर का फ्लोरिंग को ही आप नीचे कर रहे हो, फाउंडेशन की हाइट घटा रहे हैं या फिर इरेक्शन कर रहे हैं एक्स्ट्रा फ्लोर, उसी सब केस में वो पावर है जो डिमोलिशन का है। तो पहले आप नोटिस में देखिए आपको दिया क्या गया है। नोटिस में आपको टाइम पीरियड लिखा रहेगा 24 घंटे का कि आपको डॉक्यूमेंट देना है। आप देखिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है। अगर आपने धारा 342 की नोटिस पहले से दे रखी है, उसके बाद आपको अगर ये नोटिस आता है तो आप उस बेसिस पे भी चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया था और मैं उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपको वो सब इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर फिर भी डीएमसी नहीं मान रही है, कमिश्नर नहीं मान रहे हैं और आपका डिमोलिशन का ऑर्डर इशू कर देते हैं, तो फिर आप हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं, क्योंकि डीएमसी एक सरकारी बॉडी है, लोकल अथॉरिटी है, तो आप रिट पिटीशन के द्वारा फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास परमिशन है, 342 का इंटीमेशन आपने पहले दे रखा है जो अप्रूव भी हो गया है, तो फिर आपको उतनी दिक्कतें नहीं आएगी। अंबुजी, जब कोई इमारत बनती है तो उसमें अलग अलग विभागों से 30 से ज़्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, समय समय पर इंस्पेक्शन भी होता है, उसके बाद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन के केस आते जाते रहते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज़ के पास जो मैकेनिज्म है अवैध निर्माण को रोकने का, वो कितना परफेक्ट है, कितना पुख्ता देखते हैं आप इसे? देखिए, मैकेनिज्म जो है डीएमसी के अंदर वो लिमिटेड पावर्स है, क्योंकि जितने भी आपके परमिशन होते हैं वो सारे डीएमसी से नहीं करती है। आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, या फिर आपको फायर एनओसी लेना पड़ता है फायर ऑफिसर से। तो इस तरह से 26-27 परमिशन आपको लगता है, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीपक जी। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये सारे परमिशन को देखते हुए डीएमसी जो है वो इशू करती है आपका कमेंसमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट। तो वो सारे परमिशन जो आपने रिकॉर्ड में डाले हैं, जब आपको परमिशन मिलता है, सैंक्शन प्लान मिलता है, आपको आईओडी मिलता है डिसअप्रूवल का, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है, तो उसमें बहुत सारे कंडीशन लिखे रहते हैं स्पेसिफिक टू द एरिया। मतलब जिस एरिया में आपका बन रहा है उस एरिया में आप कैसे बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं, कितनी हाइट कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो परमिशन अवेटेड है, जब तक आप इंतजार कर रहे हैं ऐसा परमिशन ना आए, और उस बेसिस पे आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं और बाद में मान लीजिए परमिशन नहीं मिला, तो फिर आप प्रॉब्लम में आते हैं। तो डीएमसी का जो रोल है, जो मैकेनिज्म है, वो बहुत सिंपल है। वो सारे परमिशन इकट्ठा करेगी अपने पास, आप उनको इंडिकेट दीजिए, वो चेक करेगी कि ये परमिशन में इतना अलाउड है, एक फ्लैट में इतने कमरे अलाउड है, एक बिल्डिंग में इतनी पार्किंग अलाउड है, तो उसके बाद वो चेक करेगी कि आपकी बिल्डिंग में कितने एक्चुअल बने। अगर आप बोलिए कि नहीं हमारी बात चल रही थी, हमें परमिशन मिलने वाला था, हमें एयरपोर्ट सपोज हाइट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमें एनओसी मिलने वाला था लेकिन वो आया नहीं, तो वो फिर आपका इलीगल कंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में आ गया। तो इसीलिए जो मैकेनिज्म है बीएमसी का, वो पुख्ता ऐसे करती है कि वो सारे परमिशन पहले चेक करती है, उसके बाद एक ऑफिसर जाकर के आपका कभी भी विजिट कर सकता है, वो मैप कर लेगा कि परमिशन में ये लिखा, कंस्ट्रक्शन ये हुआ। उसके बाद उसके आगे वो पुख्ता नहीं करती। उससे आगे आपको कोई भी एडिशनल परमिशन मिला है, एनओसी मिला है, आप इंटीमेट कर दीजिए या फिर म्यूनिसिपल लोकल अथॉरिटी के कमिश्नर, यही प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। इससे ज्यादा डिलीजेंस वो नहीं करते हैं, इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट उनको उनके पास आपको सबमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे परमिशन उनके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारे अलग अलग अथॉरिटीज हैं जहाँ से परमिशन इशू होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को अवैध निर्माण से जुड़ी हुई बारीकियां समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज इस शो में इतना ही, बाकी बने रहिए जी बिजनेस पर बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्कार।